हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करते हैं कि क्या मेरे जो नोज की हड्डी का टेढ़ापन है, DNS है, उससे क्या मुझे बहरापन हो सकता है। कहने में दोस्तों बड़ा अजीब लगता है, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, जब हमारे पास पेशेंट OPD में आता है, उनकी क्वेरी होती है कि मुझे नाक की हड्डी का डेविएशन है, नाक की हड्डी का टेढ़ापन है, किसी ने बताया है कि इसके कारण मेरे को जो है बहरापन भी हो जाएगा। दोस्तों, क्या ऐसा संभव है? दोस्तों, बात करते हैं, हम समझते हैं दोनों चीज़ों को। पहले क्या नाक की हड्डी का DNS होता है? दोस्तों, जो हमारा नोज है, नोज एक चैम्बर है, एक यूनिटी है, तो उसके अंदर जो है एक सेप्टम होता है जो पार्टीशन होता है नोज को इक्वल टू सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करता है, एंड दोनों तरफ से हमारे को क्या बराबर ब्रीदिंग होती है। गॉड ने एक सिस्टम बनाया है, कुछ समय इस इधर से ब्रीदिंग होती है, कुछ इधर से ब्रीदिंग होती है, और वो हमें पता नहीं होते, वी नॉट अवेयर अबाउट दैट। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा 10% एयर हमारे ईयर के अंदर एक ट्यूब होती है, यूस्टेकियन ट्यूब, यानी जो हमारा ईयर बाहर की तरफ एटमोसफेयर में ओपन है, हमारे नोज के पीछे के हिस्से में ओपन होता है, एंड उस ओपनिंग को जो ट्यूब हमारे नोज को जो हमारे ईयर से कनेक्ट करती है, उसको यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो कुछ 10% एयर उसमें आती है जाती है। दोस्तों, किसी भी कारण से जब इस वेंटिलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, उदाहरण के तौर पे जब आपने देखा होगा, जब हम फ्लाइट में जाते हैं हमारे कान पॉप हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, जब अपन हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पे जाते हैं, या आपने देखा होगा छोटे बच्चों के कान के अंदर जुखाम लगते ही जो है वो उसको कान में जो है पेन हो जाता है, जब नोज में जुखाम लगती है। तो ये बेसिकली जब नाक की हड्डी का डेविएशन होता है तो हमारा ईयर का वेंटिलेशन नहीं होता, और बहुत बार क्या होता है, वो जो कान का पर्दा है वो चिपक जाता है, और कान का पर्दा चिपक जाता है या कान के पर्दे के पीछे फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे हमें बहरापन हो सकता है। बिकॉज ऑफ द फ्लूड वी डोंट हैव द वाइब्रेशन, यानी हमारे कान के पर्दे में जो आवाज़ को टकराने के बाद जो वाइब्रेशन हो रहे थे वो नहीं होते, इसलिए क्या है हमें बहरापन हो सकता है। दोस्तों, अगर ये चीज़ अगर आपको DNS के कारण बार बार हो रही है, तो डेफिनेटली हमें दोनों चीज़ का करेक्शन कराना चाहिए। स्पेशली जो हमारे आर्मी एस्पिरेंट हैं, उनको क्या है कि अगर मान लो आपको DNS का करेक्शन है, तो अगर आपको जो है, क्योंकि उसके कारण आपके कान में भी मोस्टली प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको उसी टाइम पे जो है कान को भी चेक करा के अगर उचित जो है उसमें ठीक कराने की ज़रूरत है तो ठीक कराना चाहिए। दोस्तों, कान की जो हमारी हेल्थ है वो हमारी नोज की हेल्थ पे डिपेंड करता है। इफ़ योर नोज इज हेल्थी देन योर ईयर इज हेल्थी। आपको कभी जुकाम नहीं है, नाक की हड्डी का कोई डेविएशन नहीं है, बाहर से नोज की कोई विकृति नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा जो ईयर है वो परफेक्ट रहेगा। बट इसके अगेंस्ट में अगर आपको नोज में एलर्जी है, नाक का DNS है, नाक की बाहर से विकृति है, और हमारे को जो है वो हमारा जो ईयर का जो वेंटिलेशन है कान नाक की बीमारी के कारण प्रभावित होता है, तो डेफिनेटली हम बहुत तरीके की कान की जो है नोज की जो है प्रॉब्लम के कारण हमारे जो कान के अंदर बहरापन या कई सारी प्रॉब्लम्स हम डेवलप हो सकती है। दोस्तों, रियली इट्स इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू, यू कैन शेयर टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस इशू। थैंक यू।